खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। सपा नेता मुकुल सिंह ने कोरोना की जंग में जुटे योद्धाओं को धन्यवाद दिया और कहा कि आज घोषित हुआ जनता कर्फ्यू में सहयोग देने के लिए समस्त देश व जनपद वासियों का धन्यवाद व आभार। हम सब इसी तरीके से एक मिलकर इस महामारी बीमारी कोरोना वायरस को हिंदुस्तान से खत्म करने का काम करें। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महामारी बीमारी कोरोना वायरस से हम जीत पाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सभी को इससे बचाने के लिए हम सब युवाओं को प्रेरित किया और जनता को जागरूक कर सभी लोगों की मदद करने को कहा। इस महामारी बीमारी कोरोना वायरस से बचने के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर किसी को भी खांसी, जुकाम, बुखार जैसी शिकायत हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और समय समय पर अपने हाथों को धोकर ही उनका प्रयोग करें। श्री सिंह ने कहा कि आज के अलावा आगे भी अगर आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलें। देश में फैली इस बीमारी से देश की जनता को बचाने को लेकर हम सबको एक होकर इस कोरोना वायरस को देश से खत्म करना है। आज जनता कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी हम सबको इन बातों पर विशेष ध्यान रखते हुए सावधानी बरतनी है। 31 मार्च तक सभी ट्रेनें रद्द करने के निर्णय के प्रति भी श्री सिंह ने आभार जताया तथा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस निर्णय का स्वागत किया। और साथ ही जनता से यह भी बताना चाहता हूं कि आज का जनता कर्फ्यू समाप्त हो जाने के बाद भी हम सबको सावधानी बरतनी है और सावधानी के रूप में हम सबको अभी कुछ दिनों तक घर में ही रहकर इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़नी है और हम सब मिलकर ही इस देश से इस कोरोना वायरस को खत्म करने का काम करेंगे। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।